Hello friends, welcome to biology lover. So today we are going to discuss about the OPSC PGT zoology question. तो इस बार वीडियो लाने में बहुत देरी हो गया, क्योंकि देरी हुआ कि पहले माइक खराब हुआ तो माइक लाए, तो उसके बाद जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो था उसका सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ, उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम और भी हो रहा था, तो इस सब के वजह से थोड़ी वीडियो लाने में देरी हो गया, तो इसके लिए सॉरी। कोशिश करेंगे बीच बीच में ये वीडियो आपके लिए लाने के लिए, आपका सेल्फ प्रिपरेशन ठीक चल रहा होगा। चलिए पार्ट थ्री का आज क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो 42 के बारे में देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द वायरल इंटीग्रेशन इनटू होस्ट जीनोम। तो वायरल इंटीग्रेशन होस्ट जीनोम की ऐसे होता है, हम जानते हैं अगर बैक्टीरियोफेज के हम लाइफ साइकिल देखेंगे, दो फेज इसमें रहता है, लाइटिक लाइफ साइकिल एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। ये जो होता है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, इसमें वो क्या करता है कि अपना जो जेनेटिक मटेरियल उसे छोड़ता है बैक्टीरिया के अंदर, उसके ऊपर वो जाके प्लाज्मिड में इंटीग्रेट करता है और एक जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, तो ये हो जाएगा लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। ओके, चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। तो हम जानते हैं वन बैक्टीरियम से अनदर बैक्टीरियम में जब क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जाता है, तीन प्रोसेस में जाता है। एक होता है कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा क्या होता है, ट्रांसडक्शन। क्या होता है? ट्रांसडक्शन, जो मैंने अभी बैक्टीरिया फेज वाला बताया, जो क्या होता है एक जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, किस में जाता है, ट्रांसडक्शन में जाता है। तो इसे हॉराइजेंटल जीन ट्रांसफर में भी आपने ये सब पढ़ा होगा, तो ये रहा तीन, तो आंसर हो जाएगा ट्रांसडक्शन। थोड़ी हम डिस्क्राइब करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ओके, द एनवेलप वायरस डिराइव फ्रॉम द होस्ट। तो एनवेलप वायरस मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर क्या होता है आउटर कवरिंग होता है, न्यूक्लियर कैप्सिड होता है, आउटर कवरिंग होता है एनवेलप वायरस। तो वो कहाँ से आता है, जनरली क्या होता है कि वो आता है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से, वो आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ जाएगा, या कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या क्या करेगा कि क्या करेगा, सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन वहाँ से पिंचअप होकर इस तरह से निकलेगा, और साथ जब निकलेगा जेनेटिक मटेरियल के साथ एक कैप्सिड के साथ, वो आउटर मेम्ब्रेन भी वहीं से लेके आता है। तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यहां पर हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अब जब चलते हैं 45 पे। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू ऑफ प्रियंस के लिए कौन सा ट्रू हो जाएगा, उसके लिए देखते हैं ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अब प्रियन क्या होता है, अनफोल्डेड या मिसफोल्डेड प्रोटीन। प्रोटीन का पर्टिकुलर फोल्डिंग होता है, अगर वो पर्टिकुलर वे में नहीं होता है, अनफोल्डेड और मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है, वो बोबियन क्या होता है एनसेफालाइटिस है, करके हम पढ़े थे कि मेड काउ सिंड्रोम, तो उसका एक क्या था एग्जाम्पल था, तो वो भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी दे आर रॉक फॉर्म ऑफ प्रोटीन पीआरपी, दे आर रॉक फॉर्म ऑफ प्रोटीन पीआरपी। तो ये हो जाएगा, ये सब वही जब तक ये, तो ये सही है क्योंकि वो 100 डिग्री से ज्यादा से भी एक्टिव हो सकता है, तो ये सारी चीजें भी आपको प्रियन के बारे में पढ़ना होता है। ओके ओके, 46 देखते हैं। द माइक्रोफिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड, माइक्रोफिलामेंट किससे होता है ना, एक्टिन फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट। तो हम जानते हैं ये तीन प्रकार के रहता है, हमारे साइटोस्केलेटन पढ़े होंगे, माइक्रोफिलामेंट, दूसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट और तीसरा होता है क्या होता है, माइक्रोट्यूबुल, जो सेल डिवीजन में हम यूज होता है माइक्रोट्यूबुल्स। तो ये सब चीजें रहता है, तो माइक्रोफिलामेंट कहते हैं एफ एक्टिन जी एक्टिन, तो इसके बारे में भी थोड़ी आपको देखना होता है। ओके, द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीज बाई द ड्यू टू द क्या हो जाएगा ना, ड्यू टू द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इन द मेम्ब्रेन। तो फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड रहता है, सेचुरेशन क्या है, पूरा मेम्ब्रेन का डबल बॉन्ड हो चुका है, मतलब पूरे बॉन्ड कर चुका है, सी पूरे सेचुरेशन है, पूरे बॉन्ड कर चुका है। अनसेचुरेटेड जब रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, अनसेचुरेशन रहेगा, तो इसमें जब हम मेम्ब्रेन देखते हैं, मेम्ब्रेन में किंक रहेगा, थोड़ी इस तरह से फोल्ड रहेगा अनसेचुरेशन की वजह, जिसके वजह से एक जो फॉस्फोलिपिड की वजह से दूसरा फॉस्फोलिपिड के अंदर थोड़ी गैप रहेगा, और जिसके वजह से क्या रहेगा, उसमें थोड़ी फ्लूइडिटी रहेगी। ओके, तो ये सबको हमें जानना होता है।
48 व्हिच सेल ऑर्गेनेल इन विन एपोप्टोसिस, इसके लिए मैं शॉर्ट भी बनाया था। एपोप्टोसिस के लिए किसके होता है माइटोकॉन्ड्रियल सी, जब क्या होता है एपोप्टोसिस किसको क्या बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, जब प्रोग्राम सेल डेथ होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है माइटोकॉन्ड्रिया से निकलता है साइटोक्रोम साइटोक्रोम सी और ये जाके कैस्पेज को एक्टिव करता है, कैस्पेज को एक्टिव करता है और क्या करता है एपोप्टोसिस को इनिशिएट करता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम जानते हैं इस तरह से फॉस्फोलिपिड रहता है और बीच बीच में क्या रहता है प्रोटीन रहता है और इसका जो अरेंजमेंट होता है क्या होता है सिमेट्रिकल तो नहीं होता है तो ये हो जाएगा एसिमेट्रिकल, क्या हो जाएगा एसिमेट्रिकल होता है क्योंकि पर्टिकुलर सिमेट्री में वो नहीं होता है। और हम आप लोग भी पढ़े होंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो पढ़े थे सिंगल न्यूक्लियर सेल में, तो वो देख के आपको पता चल गया होगा। ओके, व्हाई ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नेसेसरी, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये राइट। मूवमेंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल, ओके, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द सेल, हाँ ऑल, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज डी हो जाएगा। ओके, व्हिच टाइप ऑफ मूवमेंट अकर व्हेन एनए एंड के प्लस इज यूज, तो क्या होता है हम जानते हैं अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखोगे तो अंदर क्या रहता है के प्लस का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है और बाहर क्या होता है एनए प्लस का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। जब कोई स्टिमुली आता है तो क्या होता है जो मेम्ब्रेन चैनल होते हैं या गेट के थ्रू होता है एनए प्लस क्या होता है अंदर आता है के प्लस बाहर जाता है, तो के प्लस बाहर जाता है, तो ये सब हम जानते थे। तो 51 का देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा, के प्लस इन के प्लस आयन मोव आउट ऑफ द सेल, हाँ मोव आउट ऑफ द सेल एंड एन प्लस आयन मोव इन, तो हो जाएगा आंसर यही बी आंसर हो जाएगा। ओके, द स्टेज विच सर्व एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मेयोसिस वन एंड मेयोसिस टू, तो उसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, इंटरफेस टू नहीं इंटरकाइनेसिस करके उसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, साइक्लिन एसोसिएट विद द, साइक्लिन जानते हैं जो सेल डिवीजन होता है उसमें दो प्रोटीन रहता है साइक्लिन और सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन सो डिपेंडेंट काइनेज रहता है ये दोनों कंट्रोल करते हैं, तो साइक्लिन डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट सीडीके रहता है, तो ये सब किस में हेल्प करता है साइक्लोसिस नहीं है माइटोसिस में, मतलब सेल डिवीजन में हेल्प करता है। साइक्लोसिस तो सेल मूवमेंट रहता है ना, इधर से मूवमेंट होता है वो उसे साइक्लोसिस बोलते हैं सेल मूवमेंट, तो ये हो जाएगा सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन दिया नहीं है तो यहाँ पर माइटोसिस है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द एंड ऑफ द क्रोमोजोम, एंड ऑफ द क्रोमोजोम में क्या द एंड ऑफ क्रोमोजोम कॉल्ड सैटेलाइट, द एंड ऑफ क्रोमोजोम कॉल्ड द सेंट्रोजोम, द एंड ऑफ क्रोमोजोम इज द कॉल्ड द टीलोमियर, टीलोमियर रहता है वहां पर हम जानते हैं कि एंड ऑफ क्रोमोजोम क्या होता है टीलोमियर रहता है। ओके, टीलोमियर द एंड ऑफ क्रोमोजोम क्रोमोजोम आर कॉल्ड किंटोकोर, नहीं नहीं टीलोमियर्स रहता है और वो टीलोमियर्स बार बार सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है लॉस होता है। ओके, काइनेटिक और ओके देखते हैं उसके बाद, तो 55 के बारे में जानते हैं उसके बारे में देखते हैं, द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द क्रोमाटिन ऑफ द, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द क्रोमाटिन और कॉम्पोजिशन, क्रोमाटिन किससे किससे बनता है हम जानते हैं, क्रोमाटिन अगर यूकेरियोट में देखोगे तो वो डीएनए आरएनए प्रोटीन तीनों के तीनों से बना होता है, तो डीएनए आरएनए प्रोटीन तीनों के तीनों से बनता है। हाँ, कुछ प्रोकैरियोट में अगर देखो डीएनए प्रोटीन से बना होता है, लेकिन यूकेरियोट में देखो डीएनए आरएनए प्रोटीन, तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर यहीं पे यही हो जाता है। ओके, 56 के बारे में देखते हैं, नेम ऑफ द ग्लैंड लोकेटेड बेस ऑफ द थ्रोट एंड जस्ट इन्फीरियर टू लेरिंजियोपोन एडम्स एपुल, तो कौन से ग्लैंड है पिट्यूटरी, तो रहता नहीं है पिनियल ग्लैंड, तो छाती के मतलब ये रहता है और क्या रहता है हाइपोथैलेमस भी तो नहीं रहता है, तो क्या रहता है थायरॉयड, थायरॉयड पैराथायरॉयड वहीं पर रहते हैं जो एडम्स एपुल वो बोलते हैं। तो ये था आज 42 से 56 तक क्वेश्चन, तो नेक्स्ट रेस्पॉन्स में आपको मैं बताऊंगा किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ले आएंगे उसको एक्सप्लेन के साथ समझेंगे। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन।